जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और इसमें दोस्तों डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि आपका न्यूज़पेपर था 19 से 25 मार्च 2022 का एडिशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें आपकी यहां पर जो वैकेंसी निकली है वो इंस्पेक्टर के लिए 27 है और एसआई के लिए 79 है। सैलरी आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लेवल 7 की दी जाएगी, जिसमें कि आपको 4600 रुपये का ग्रेड पे मिलता है। और यहाँ पर जो आपकी एसआई की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, जहाँ पर आपको 4200 रुपये का ग्रेड पे भी मिलता है। जॉब लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जॉब लोकेशन बेसिकली ऑल इंडिया रहेगी, जिसमें कि दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, जम्मू, कोची, कोलकाता, इन सभी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा एक वैकेंसी और इनकी एक्टिव है, जिसमें कि आपके एसआई की 43 पद है, जहाँ पर आपकी पोस्ट इन जगह पर की जाएगी। और जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसके लिए 24 पद है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 7 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। इसमें जो आपकी हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं 24 पद है और आपको इस पर जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 की मिलेगी, जहां पर आपको 2400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बेसिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर के आप इस जानकारी को कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। यहां पर जो मैंने आपको पहले एसआई और एसआई की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी, इसमें आप लोग फॉर्म 18 मार्च 2022 से लेकर के, या फिर कह लीजिए कि 20 मार्च 2022 से लेकर के 17 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। और वैकेंसी भी आप यहां पर दोनों पोस्ट की अलग अलग से देख सकते हैं। जो आपकी एसआई की पोस्ट है, इस पर जो अप्लाई करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो आप यहां पर चेक कर लीजिए। तो एसआई और एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, वो आपसे ग्रेजुएट मांगी जाएगी। और जो अन्य एलिजिबिलिटी है, वो ये कि आपका ऑफिसर्स होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके पास एक रेगुलर बेसिस पर पोस्ट हो और उसकी जो सर्विस है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन मैंने बता दी है कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर जो आपकी हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन के रूप में क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आपकी 12वीं मांगी है। और इसमें भी सेम कंडीशन है कि आपका स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना जरूरी है, जहां पर आपके पास आपकी सर्विस रेगुलर हो। बट इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपके पास जो सर्विस है वो 3 साल की होनी चाहिए या फिर 4 साल की। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को और आप 12वीं पास हो, आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई आपका ऑफलाइन माध्यम में होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा यहां पर दिया है। अगर आप चाहेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपके इस बारे में कमेंट आते तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और एक बात और कि इसमें दोस्तों आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 56 साल तक रखी है और अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो ये थी दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, बिना कोई टाइम वेस्ट, बिना कोई हाइप क्रिएट किए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।